कक्षा 8 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 13। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुना कर 2/3 जोड़ने पर -8/12 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? तो हम मान लेते हैं कि वह संख्या है x। मान लो संख्या बराबर x। तो प्रश्न के हिसाब से देखिए, यह संख्या x को 5/2 से गुना कर, इस संख्या को 5/2 से गुना करो और 2/3 जोड़ने पर, जो उत्तर आएगा उसमें 2/3 जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है -7/12। इसे एक बार दोबारा समझे, हमारे पास एक संख्या, उन्होंने बोला परिमेय संख्या को 5/2 से गुना कर, तो परिमेय संख्या को हमने माना x, उसको 5/2 से गुना कर 2/3 जोड़ने पर, 2/3 उसमें जोड़ने यानी प्लस करने पर हमारे पास -7/12 प्राप्त होता है। तो जो प्राप्त होता है उसे हमेशा बराबर के आगे लिखा जाता है। अब हम इसे हल करके देखते हैं। सबसे पहले x गुना 5/2, इसे ऐसे ही ब्रैकेट में रहने दो, यह है -7/12, ये +2/3 इधर इसके साथ प्लस हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x के साथ गुना 5/2 ऐसे ही रहने दो, बराबर 12 और 3, 12 और 3 का आप सबसे पहले हम निकालेंगे लघुत्तम, 3 के पहाड़े में 3 चौके 12, 3 एकम 3, फिर 2 के पहाड़े में 2 दूनी 4 1, 2 के पहाड़े में 2 एकम 2 1, तो LCM आ गया 3 × 2 × 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 इसका LCM आ गया। तो 12 और 3 का लघुत्तम आया 12, ये नीचे आ जाएगा, 12 को नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुना करते हैं, 12 को 12 से भाग किया 1, 1 को ऊपर -7 से गुना करेंगे तो आ जाएगा -7, फिर 12 को 3 से भाग करेंगे, 12 को 3 से भाग किया 4, 4 को ऊपर 2 से गुना करेंगे तो 8, 7 में है माइनस का निशान सॉरी, तो यहां आएगा -8। अगले स्टेप में x गुना 5/2 बराबर ये बन गया माइनस माइनस प्लस, 8 और 7 होता है 15, 7 में साइन बड़ी रकम का, दोनों का माइनस ही है तो माइनस, नीचे 12 का 12 ही आ जाएगा। अगला स्टेप ध्यान से देखना, यह है -15/12, यहां पहले से है 5, इस x के साथ गुना हो रहा है तो उधर जाके हो जाएगा भाग यानी नीचे आ गया, 2 यहां भाग हो रहा है नीचे है, उधर जाके हो जाएगा गुना यानी ऊपर आ जाएगा, ये 5/2 था, ये उधर जाके 2/5 बन गया। अब इनमें से जो चीज कटती है हम उसे काट देंगे, देखिए 2 से 12 कट जाएगा 6 पर और 5 से 15 कट जाएगा 3 पर, तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई, देखिए ये है ऊपर 2 कट चुका, माइनस बचा और 3 बचा, और साथ की साथ ही 3 जो है 6 से कट जाएगा, 3 दुनी 6। अब हमारे पास ऊपर बच गया -1 और नीचे बच गया 2, तो x की जो हमारे पास वैल्यू आ गई वो आ गई -1/2। अब हमने संख्या क्या मानी थी, x, हमें संख्या ही निकालनी थी, वो हमारे पास अब आ चुकी है, संख्या बराबर x और x की वैल्यू कितनी है -1/2, तो जो परिमेय संख्या हमें इसमें निकालनी थी वो हमारे पास आ गई है, तो यही परिमेय संख्या हमें निकालनी थी। आइए हम इसका एक और प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में ₹100, ₹50 व ₹10 के नोट है, यानी उसके पास ₹100 के ₹50 के और ₹10 वाले नोट है, उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है, ठीक है, और उनका कुल मूल्य ₹4,00,000 है, उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आपको जो अनुपात दिया है 2:3:5, तो देखो यहां 100, 50 और 10, इसका मतलब ₹100 के नोट कितने होंगे,
दो के अनुपात में, 50 रुपए के नोट होंगे 3 के अनुपात में और 10 रुपए के नोट होंगे 5 के अनुपात में। तो हम मान लेते हैं, मान लो 100 रुपए के नोट बराबर जो अनुपात दिया उसके साथ x लगाते जाओ, 50 रुपए के नोट बराबर दूसरा अनुपात है 3 तो 3x, और 10 रुपए के नोट तीसरा अनुपात है 5 तो यानी 5x। अब बच्चों ध्यान से समझने वाली जरूरत है, 100 रुपए के उसके पास नोट कितने हैं 2x, ठीक है, पैसे कितने होंगे 2x नोट गुना 100 रुपए, 50 रुपए के 3x नोट है, पैसे कितने होंगे, रुपए कितने होंगे 3x गुना 50। जैसे मान लो मेरे पास 50 रुपए के 5 नोट हैं, तो मेरे पास पैसे कितने हुए, 50 रुपए को 5 से गुना कर देंगे उतने मेरे पास रुपए होंगे ना। ऐसे 10 रुपए के उसके पास 5x नोट है, तो उसके पास कुल 10 रुपए की कितनी करेंसी है, तो 5x को 10 से गुना कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी चीज को मैं नीचे लिखने जा रहा हूं, 100 रुपए के 2x नोट है यानी कि 2x गुना 100 प्लस 50 रुपए के 3x नोट है यानी कि 3x गुना 50 प्लस ऐसे ही 10 रुपए के 5x नोट है यानी कि 5x गुना 10। ये सारे नोट मिलाकर उसके पास 4 लाख रुपए हैं, 4 लाख रुपए हैं। तो इसका मतलब ये नोट प्लस ये नोट प्लस ये नोट ये सब मिलकर ही तो 4 लाख बना, इसीलिए इनके बीच में प्लस लिखा। अब हम इसे हल करेंगे, 100 को 2 से गुना कर दो 200x, 50 को 3 से गुना कर दिया 150 साथ में है x, 10 को 5 से गुना कर दिया 10 × 5 = 50x बराबर यहां है 4 लाख रुपए। यहां भी x है, यहां भी x है, यहां भी x है, ये तीनों x वाली लाइक टर्म्स है, इनको प्लस कर सकते हैं 200, ये है 150 और 50 200, 200 और 200 ये हो गए 400x बराबर 4 लाख रुपए। x कितना आ गया 4 लाख, 400 इधर गुना हो रहा था उधर जाके हो जाएगा भाग। अब जो कटता है हम उसे काट देंगे, देखो 10 से 10 कट गई, 10 से एक और 0 कट गई, 4 से 4000 कट के हमारे पास आ जाएगा 1000। ठीक है बच्चों, अब हम लिखेंगे, हमें निकालने हैं 100 रुपए के नोट कितने थे, 20 के कितने थे और 50 के कितने थे और 10 के कितने थे। तो मैं यहां लिखता हूं 100 रुपए के नोट या नोटों की संख्या, ऐसे ही 50 रुपए के नोटों की संख्या, ऐसे ही 10 रुपए के नोटों की संख्या। अब देखो ध्यान से, 100 रुपए के नोट थे उसके पास 2x, 50 रुपए के नोट थे 3x, 10 रुपए के नोट थे 5x। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, x आया है 1000, तो 2 × 1000 यानी 2000, 100 रुपए के कितने नोट थे 2000। ऐसे ही 50 रुपए के नोटों की संख्या 3x, 3 × x की वैल्यू है 1000, तो 3 × 1000 कितना हो गया 3000। इसी प्रकार से 10 रुपए के नोटों की संख्या 5x यानी 5 × 1000 यानी 5000। तो इससे हमें क्या समझ आया कि हमसे पूछा गया था प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं। तो 100 रुपए के नोट कितने हैं 2000, 50 रुपए के नोट कितने हैं 3000, 10 रुपए के नोट कितने हैं 5000, और इन सबको मिलाकर
इनको मिलाकर नहीं, ये तो नोटों की संख्या, इसको 100 से, इसको 550 से और इसको 10 से गुना करके जो आएगा उन सबका जो टोटल होगा वो होगा 400,000 रुपए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न जरूर समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो इस प्रश्न को रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा।